पापा मुझे आपसे कुछ पूछना है, पर जितना हो सके जल्दी जवाब देना। मैं गूगल नहीं हूँ जो तुम कुछ भी पूछोगे और मैं फटाक से जवाब दे दूंगा। अच्छा, किसने कहा कि आप गूगल नहीं हो? मैं खुद कह रहा हूँ, और कौन कहेगा? पर मैं नहीं मानता, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि आप तो गूगल से भी ज्यादा बड़े वाले हो। अच्छा, झूठी तारीफ मत कर मेरी, बता कैसे हूँ मैं गूगल से भी बड़ा? एक के पीछे 100 जीरो लगाने से जो संख्या बनती है, गूगल के पास उतनी जानकारी है। और एक आप हो जिसके आगे और पीछे अगर हजार हजार जीरो भी लगा दें, तो जो संख्या बनेगी आपके पास भी उतनी जानकारी रहती है। पर मेरे पीछे हजार जीरो लगाने पर तो कोई भी संख्या नहीं बनेगी। वही तो, इसलिए आपके पास भी कोई जानकारी नहीं रहती है। मन कर अपनी बकवास। अब मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगर मेरे पास कोई और होता सवाल पूछने के लिए, तो मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं पूछता। कोई होता भी तो तेरे घटिया सवालों का जवाब कभी नहीं देता। ओहो, तो अब मेरे सवाल घटिया हो गए, और जो जवाब आप देते हो वो तो महा घटिया होते हैं। बंद कर अपनी ये घटिया बातें, और जो पूछना जल्दी पूछ। तब से बकवास आप खुद किए जा रहे हो और मेरी बातों को घटिया कह रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? आती है ना, तेरे जैसा नालायक बेटा जो पैदा किया है मैंने, अब शर्म तो आएगी ही। अगर मैं नालायक हूँ तो आप महा नालायक हो, क्योंकि जो पेड़ जिस बीज से उगता है उसमें उस पेड़ के गुण आ ही जाते हैं। तू चुप हो जा, नहीं तो सच में पेड़ से लटका ही दूंगा तुझे अभी। और जो कुछ पूछना है जल्दी से पूछ। अच्छा ये बताइए कि लोग गालियाँ क्यों देते हैं? यही सवाल है तेरा? हाँ बताइए ना कि लोग गाली क्यों देते हैं। मैंने देखा है कि लोग आपस में लड़ते हुए जोर जोर से एक दूसरे को गालियाँ बकते रहते हैं। आखिर गालियाँ बकने से होता क्या है? अरे बेटा, गालियाँ तो वैसे नहीं बकनी चाहिए, अब पर इनका आविष्कार अपने अंदर के गुस्से को शांत करने के लिए हुआ था। लोग गालियाँ बक के अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। तो क्या जब मैं भी गुस्से में रहूं, तो मैं भी गालियाँ बक सकता हूं? अब देखो बेटा, तुम अभी छोटे हो, अब तो छोटी मोटी गालियाँ बक सकते हो। जैसे? जैसे कुत्ता, कमीना, हरामखोर, बस यही सब, इससे ज्यादा नहीं। अरे ये गालियाँ तो मैं 5 साल की उम्र से बकता रहा हूँ, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे भी बड़ों वाली गाली बकने का मौका मिलना चाहिए। बड़ों वाली गाली? हाँ, मैंने कुछ बड़ों वाली गालियाँ सुन रखी हैं, पर उनका मतलब मुझे समझ नहीं आया। कौन सी गाली बे? मादर। ये मादर का क्या मतलब होता है पापा? अच्छी बातें तो तू सीखता नहीं, और गंदी बातें बिना सिखाए खुद से सीखने की कोशिश करता है। तू कहाँ से आया रे? वहीं से जहाँ से आप आए हो। और मैं कहाँ से आया हूँ? अपनी माँ के पेट से। और कहाँ से? पर तू वहाँ से नहीं आया है, तू अपनी माँ के पेट से आया है। जहाँ से भी आया हूँ, मैं एक सवाल लेकर आया हूँ, और मुझे उसका जवाब चाहिए। कौन सा सवाल? यही कि मादर का क्या मतलब होता है। तो तुझे इस सवाल का जवाब चाहिए ही चाहिए? हाँ, मुझे जवाब चाहिए, और अभी चाहिए। हाँ? और जो मैं जवाब ना दूँ तो फिर आप वही वाले गूगल हो जो मैंने कुछ देर पहले बताया था। चुप कर, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं खुद चुप हो जाऊंगा, आपको मुंह तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात सवाल के जवाब देने की नहीं है, बात है तेरी घटिया सोच की, और तेरे बिना सिर पैर वाले सवालों की। एक सवाल पूछने से मेरी सोच घटिया कैसे हो गई? और अगर मेरे सवाल बिना सर पैर के होते हैं, तो आपके जवाब कौन से 10 हाथ पैर वाले होते हैं? वो भी तो बिना शरीर के होते हैं। तो जा, कहीं से ऐसा आदमी ढूंढ कर ला जो तेरे बेतुके सवालों के ऐसे जवाब दे जिनके हाथ पैर के साथ साथ शरीर भी हो। अगर मुझे कहीं बाहर ही जाना पड़े अपने सवाल का जवाब ढूंढने के लिए, तो आप क्या घर में बैठ के अंडा दोगे? चुप मादर। आगे भैया, खुद गाली बको तो सही, और अगर मैं मतलब भी पूछ लूं तो गलत। क्या तुझे सच में इसका मतलब जानना है? क्यों, झूठ में भी कोई मतलब होता है क्या? झूठ में कोई मतलब नहीं होता बेटा, पर झूठ बोलने के पीछे बहुत बड़ा मतलब होता है। ये जो फालतू का इतना ज्ञान फैल रहे हो, इससे अच्छा तो मेरे सवाल का ही जवाब दे दो कि मादर का क्या मतलब होता है? मादर मतलब मादर होता है। अच्छा? हाँ। कैसे? जैसे आम मतलब आम होता है, केला मतलब केला होता है, ये आधा खाली गिलास मतलब आधा खाली गिलास होता है, वैसे ही मादर मतलब भी मादर होता है। गलत। गलत कैसे? आधा खाली गिलास का मतलब आधा खाली गिलास नहीं होता है। तो क्या होता है?
आधा खाली गिलास का मतलब होता है आधा भरा हुआ गिलास। थोड़ा पॉजिटिव सोचो पापा। पर मादर मतलब मादर ही होता है, मादर फादर नहीं होता है। अच्छा तो ये मादर कोई भी हो सकता है? हाँ कोई भी हो सकता है। अच्छा तो क्या मैं भी मादर हो सकता हूँ? बताइए ना, क्या मैं भी मादर हो सकता हूँ? नहीं तुम मादर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता मैं मादर? जब आम आम हो सकता है, केला केला हो सकता है, तो राजू मादर क्यों नहीं हो सकता बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि तुम अभी छोटे हो इसलिए नहीं हो सकते। अच्छा तो क्या जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं मादर बन सकता हूँ? बताइए ना पापा, क्या मैं बड़ा होकर मादर बन सकता हूँ? अरे हाँ बन सकते हो, पर अब चुप हो जाओ। ठीक है, पर मेरा एक और सवाल है। क्या है जल्दी पूछो। आप मादर कब बने? ये क्या बकवास कर रहा है बे? क्यों, क्या आप अभी तक मादर नहीं बने? नहीं मैं क्यों बनूंगा मादर? आप बड़े हो गए हो ना, और आपने ही तो कहा था कि बड़े होकर मादर बनते हैं। तो बताइए कब बन रहे हो आप मादर? मुझे नहीं बनना है मादर, तुझे बनना है तो तू बन, मुझे नहीं है शौक। पर मुझे है। क्या शौक? किस चीज का? मादर बनने का। अब चुप भी हो जा मादर, नहीं तो सच में तेरी मात दूंगा। क्या कर देंगे आप? मात दूंगा तेरी। अगर मम्मी ने ये सब सुन लिया तो पता है वो आपका क्या हाल करेगी? सुन लेगी तो क्या करेगी, मैं तेरे साथ साथ उसकी माँ भी दूंगा। अच्छा ये तो मुस्कुरा क्यों रहा है? आपके बारे में सोच सोच के मुस्कुरा रहा हूँ कि अब आपका क्या होगा। तुम्हारी मुस्कुराहट देख के पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारी मम्मी मेरे पीछे ही खड़ी है। खड़ी है क्या? हे